हेलो स्टूडेंट्स, सो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। ये आपका MSP43G2 है। MSP43G2 को हम एनर्जिया से इंटरफेस करेंगे और इंटरफेस करके इसको चेक करेंगे कि ये क्या होता है। इसमें बेसिकली इस वाले मैनुअल का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है उसको आपको चेक करना है। और इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में MSP43G2 में के जो फीचर्स हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। इसमें 16 किलोबाइट की फ्लैश है, 512 बाइट की रैम है, 16 मेगाहर्ट्ज़ CPU है और इसकी जो स्पीड है इट इज़ 16 मेगाहर्ट्ज़ CPU है और 8 चैनल ADC है। इसमें 10 बिट का ADC यूज़ किया हुआ है और कैपेसिटिव टच एनेबल्ड इनपुट आउटपुट्स हैं और यूनिवर्सल सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस हैं। मोर प्लेंटी टू गेट स्टार्टेड। ये एक जो MSP43G2 है ये अल्ट्रा लो पावर माइक्रो कंट्रोलर है। इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो माइक्रो वाट का है, माइक्रो जूल्स का है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपका एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे हार्डवेयर फीचर्स यहाँ पर पॉइंट आउट किए हुए हैं। इसमें 24 GPIOs हैं, तो GPIOs में काफ़ी रिच है, काफ़ी अच्छा, अच्छी तरह से ये यूज़ किया जा सकता है। ये इसका जो बोर्ड है, सर्किट डायग्राम है, बोर्ड है, ये वो शो किया हुआ है। इसमें ये MSP43G2 है। इसकी ये अलग अलग टाइप का आता है, G2 2553, 2559 और FR2553। तो ये थ्री टाइप्स का आता है। ये यहीं पर ही इसको हम इनबिल्ट कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास एनर्जी हमें ऑप्शंस भी रहते हैं। और इसमें ये बूट लोडर है, ये दोनों ही बूट लोडर की तरह काम करते हैं। ये बूट लोडर इसको जो भी इसमें हम प्रोग्राम फ्लैश करना चाहते हैं वो बूट लोडर इसमें हेल्प करता है। इसमें कुछ जंपर सेटिंग्स हैं। ये जंपर सेटिंग्स जो हैं एज इट इज़ रहनी चाहिए जब तक कोई स्पेशल आउटपुट हमें ना चाहिए हो। यहाँ पर ये दो LEDs हैं, एक LED रेड है और दूसरी ग्रीन है। यहाँ पर इस LED को सिलेक्ट करने के लिए ये जंपर है। ये जंपर हम इसमें जहाँ पर भी हमें जो यूज़ करना होता है हम उसमें यूज़ कर लेते हैं। दो स्विचेस हैं, इन स्विचेस से हम इनपुट और आउटपुट चेक कर सकते हैं कि इन जो इनपुट पिन्स हैं उन पे कोई भी सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। और इसमें दोनों तरह से आप इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर मेल पिन्स भी हैं, मेल बर्जर पिन्स भी हैं और फीमेल बर्जर पिन्स भी हैं और इन दोनों से ही हम इसमें इंटरफेसिंग कर सकते हैं। ये आपकी USB है, ये मिनी USB इसमें यूज़ की जाती है। सो इसमें अब एनर्जी हमें देखते हैं। इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हम चेक करेंगे कि इसको कैसे इंटरफेस करते हैं एनर्जिया से। और आपको इसके राइटअप में ये सारे ब्लॉक डायग्राम्स और ये सारे पिक्चर्स बनानी है। आप चाहें तो इस पिक्चर को स्किप कर सकते हैं, इस वाली पिक्चर को आप स्किप कर सकते हैं, या आपके पास प्रिंटर है तो इसका प्रिंट निकाल के आप लगा सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसमें इसका भी आप प्रिंट लगा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्लॉक डायग्राम आपको हाथ से बनाना है, हैंड रिटन होना चाहिए। ये इसका DIP पैकेज है, ये आपको बनाना है, ये भी अपने हाथ से बनाना है। इसका भी प्रिंट आउट नहीं चलेगा। अब बाकी ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब आपका जो बोर्ड है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये इस प्रोसीजर कैसा है इसका। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सो एनर्जिया देख चेक करते हैं। एनर्जिया में हम जाएंगे, एनर्जिया में जाने के बाद टूल्स में जाएंगे और टूल्स में हम यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो हम इस टाइम पे ये यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसी को सिलेक्ट किया हुआ है। फिर हम टूल्स में जाके कॉम पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। कॉम पोर्ट 5 है, कॉम पोर्ट 5 सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम ब्लिंक का जो प्रोग्राम है इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये कैसा ये इसका इंट्रोडक्टरी एक्सपेरिमेंट है, तो हम इसका में ब्लिंक वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम अपलोड करेंगे यहाँ से।
तो यहाँ पर हमने ये अब डन ये अपलोडिंग किया, यहाँ से इस पॉइंट से अपलोड किया, यहाँ पे डन अपलोडिंग हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड एलईडी ब्लिंक कर रही है, इसमें ग्रीन एलईडी भी है, आप चाहें तो इसे ग्रीन एलईडी भी बना सकते हैं। आप इसको कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर एक ग्रीन एलईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और इसे अपलोड कर दीजिए, तो यहाँ पर ग्रीन एलईडी अपडेट हो जाएगी और आपको बस एक जंपर सेट करना पड़ेगा और यहाँ पर ये ग्रीन एलईडी ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही, थैंक यू।